ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो जबलपुर से मिल रही है, जहां नर्मदा कुंभ का आयोजन किया गया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक ये कुंभ चलेगा, जहां कुंभ में ऋषि सम्मेलन का भी होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां नर्मदा कुंभ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कुंभ में ऋषि सम्मेलन का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। 24 फरवरी से 3 मार्च तक ये कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां 24 फरवरी से 3 मार्च तक ये कुंभ का आयोजन किया गया है। इस कुंभ में ऋषि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश चौधरी लाइव जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से। दिनेश, क्या कुछ अधिक जानकारी? बताना चाहूंगा, अभी मैं खड़ा हूँ गीता धाम में, जहाँ पर कुंभ की सारी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कुंभ है, पूरे भारत भर से जो ऋषि महात्मा संत यहाँ पर आएंगे, और जो नर्मदा कुंभ का मैंने नर्मदा गौ कुंभ है, इसके जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री जी है तरुण भनोत जी, और हमारे यहाँ पर सारी जो तैयारियां है 24 से जो फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा ये जो कुंभ है। और हमारे साथ है यहाँ के संयोजक नरसिंह महाराज जी, उनसे जानेंगे की
दिनेश, वहां पर बात की जा रही है कि कुंभ के दौरान कुंभ में ऋषि कृषि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां वहां देखी जा रही है फिलहाल? जी, जिस प्रकार से ऋषि कृषि जो यहाँ जो इनका यही कहना है कि जो कुंभ का जो मेन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है और यहाँ पर पूरे जो पूरा जो ग्राउंड पूरे तैयारियों को लेकर पूरे नगरियों की टीम यहाँ लगी हुई है, पूरे यहाँ लोग है, प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। और हम आपको बता देंगे यहाँ जो जितने भी जो कारखाना है 24 लाख के पहले सारे जो 10,000 से ज्यादा जो आना का जो जो लक्ष्य रखा गया है यहाँ सर सारी के एक हब जो हब जो पंडाल बनाया जा रहा है और पंडाल के साथ ही पूरे जो लोग होंगे और लोग जो यहाँ आएंगे जो लोग होंगे जो उनका विशेष लाभ लेंगे। और जो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कैमरामैन से ये भी चाहूँगी जो ये पूरे जो और उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है, काफी से जो आएंगे देश विदेश से। चलिए दिनेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे थे, जहां नर्मदा कुंभ का आयोजन किया गया है। इस दौरान 24 फरवरी से 3 मार्च तक इस कुंभ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कुंभ में ऋषि कृषि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा और काफी तादाद में यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु और लोग भी उमड़ेंगे, जहाँ अभी तैयारी कर दी जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां नर्मदा कुंभ का आयोजन किया गया है। 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा कुंभ। कुंभ में ऋषि कृषि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इसकी तैयारी फिलहाल कर दी जा चुकी है और जो तैयारी अभी बची है उसको लेकर भी शासन प्रशासन भी मुस्तैद हो रखा है और शासन प्रशासन जायजा भी मौके का लगातार ले रहा है और तैयारियों का जायजा देखा जा रहा है कि किस तरह की तैयारी की गई है।